वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत ज्यादा इस वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इस वीडियो को आप लाजमी रिएक्ट करें। तो मैं अपना टाइटल इंटर दे दूं, मेरा नाम वजाहत है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। इसमें मतलब पाकिस्तानी पब्लिक ने बताया, ऑनेस्ट आंसर दिए और बताया कि कैसे बेटर है इंडिया पाकिस्तान से। तो देखते हैं वीडियो क्या बोलती है। सना अमजद की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट डाउन करते हैं स्टार्ट। इंटर काफी लंबा है। आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आई हूं और वो सवाल है इंडिया से रिलेटेड। हम यहां पर आए हुए लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। अगर इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है तो क्यों बेहतर है, और अगर इंडिया पाकिस्तान से बेहतर नहीं है तो क्यों बेहतर नहीं है। आइए जानते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद अहमद है। रीम शाह, रीशा, हाफिज अमीन, अजीम अब्बास, असनात अहमद, मोहम्मद नदीम अंजुम, मासूमा जैदी, मोहम्मद अब्दुल्ला, हाइका, मेरा नाम जोहेब है। इंडिया किस लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है? इंडिया जो है वो आईटी इंडस्ट्री में हम लोगों से बहुत आगे है, और इसके अलावा अकाउंटेंसी में हम पता बहुत आगे है। आप अगर यूरोप और अमेरिका की साइड देखें तो मेजर कंपनीज में जो है वो इंडियंस बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी नहीं है। एजुकेशनल सेक्टर में इंडिया हमसे बहुत आगे। ऐसी कौन सी चीज आपके दिमाग में जिससे आपको लगता हो कि इंडिया पाकिस्तान से इस लिहाज में बेहतर है? हमारी उनकी फिल्म इंडस्ट्री देखी जाए, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों से, और दूसरा इनकी इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक हमसे बेहतर है। काफी क्या, दूसरा स्पोर्ट्स को कितना प्रमोट करते हैं, हमारे यहाँ वो नहीं है। वो फुटबॉल में कितना आगे जा रहे हैं अभी हमारे, वो उसमें हम लोगों ने हम लोग बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हमारे स्पोर्ट्स को। फुटबॉल कितने लोगों को, उसके अलावा मैं सबसे बड़ी जो चीज है वो है उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री उनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी, उनकी उसकी ग्रोथ है कि उनको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। और पॉलिटिक्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तान की टीम की निस्बत। देखिए वो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे इसीलिए है कि उनका जो फोकस है इंडस्ट्री में, देख रहे हैं उनकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो ऐसे एक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारी इंडस्ट्री में आप देख लें कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। उनका जो इंडस्ट्री में फोकस है वो बहुत आगे है, वो दुनिया में इसीलिए बहुत ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो बहुत कम है। हमारे जो हीरोज़ हैं उनको पूरा प्रोटोकॉल नहीं मिलता, यानी कि जिस तरह हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती अपने एक्टर्स को, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। और उनकी जो हुकूमत है वो बहुत सपोर्ट करती है अपनी इंडस्ट्री, हर चीज़ को सपोर्ट करती है। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ऊपर बिजनेस करती है। मोदी जी तो बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है उसको ना हुकूमत सपोर्ट कर रही है ना एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। एक्टर जो पॉपुलर होता है उसको फ्लॉप हो जाते हैं, इसीलिए वो डेड हो जाते हैं, उनको आगे चांस नहीं मिलते ज्यादा। जिस लिहाज से पाकिस्तानी फिल्म के बारे में पता है उसी लिहाज से, वैसे भी वो कंट्री पाकिस्तान से इसीलिए आगे कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो आवाम है उसको टेंशन में डाला हुआ है, हमारे मुल्क की हालात, हमारे ये चीजें बहुत, इसलिए हमारी जो आवाम है ना वो बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में है। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी और मेडिकल फील्ड में भी हर चीज में हमसे आगे है। और हम जो हैं पाकिस्तान में ये होता है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई अच्छा भी कर रहा है तो कहते हैं नहीं मजे लेते हैं, लेकिन वो लोग इस तरह करते हैं वो सपोर्ट करते हैं। सही बात, सबसे ज्यादा ये है कि उसमें जो है ना एक बंदे अगर कोई ऊपर जा रहा है तो उसकी सपोर्ट करते हैं, उसको जो है डिक्रीज नहीं करते। सबसे बड़ी उनके पास ये बिल्कुल, और उसके पास ये है कि वो किसी चीज़ को कुछ भी कोई बंदा बोलता है तो उसे सीखता है। और हमारे इधर ये है कि अगर कोई बंदा भी कोई अच्छा काम करता है उसको कहते हैं भी नहीं इसने, इसके बुरे इफेक्ट्स भी पड़ेंगे अच्छे भी पड़ेंगे। ये सबसे जो है ना हमें चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करनी पड़ेगी कि लोगों से सीखना पड़ेगा। इंडिया जो है वो इस लिहाज से आगे कि वहाँ के लोग जो हैं वो मेहनती हैं, ठीक है, वो अगर किसी कोई काम करते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि बेईमानी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर जो है वो लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए उनको नाकाम कर देते हैं, तो हमें मिलके काम करना चाहिए। एग्जैक्टली, तो साथ देते हैं, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलते हैं। थोड़ा एजुकेटेड हैं और मेहनती हैं। ये जो फिल्में बनाते हैं वो अच्छी बनाते हैं, वो उसमें वो मेहनत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना ये उसमें मेहनत नहीं करता, जिसमें ये फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुआ है।
वो फेल हो गई है फिल्में, नाकाम हो फिल्म क्या हर चीज में यार। इंडिया वाले देख अगर हमारा 1 पॉइंट है उनके 10 पॉइंट मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से बनाते हैं और ये आवाम के लिए बहुत ही बेहतर। ज्यादा लोगों को मूवीज का इधर पता है, सीधी सी जो बात है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन जो इंडिया है ना वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो एक सोच के साथ चलते हैं सब। हम अलग अलग सोचते हैं और अलग अलग हमारे दिमाग में बातें होती हैं कि हमने ये करना है। हम एक बात को सब मिलकर एक बार नहीं सोचते, हम अलग अलग सोचते हैं। इस वजह से इंडिया थोड़ा आगे है। कंडीशन देता तो पीछे उसका कोई नहीं होता। इस तरह मैं ये कहना चाह रहा था कि उनकी क्रिकेट टीम भी बहुत बेहतर है हमारे से, वो हमारे से थोड़ा आगे। ये बात सही बोली, यूनिटी इंडियन में कूट कूट के भरी है। क्या बात है जिससे आपको लगता है कि इंडिया इस लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है? अभी लास्ट टाइम जो मैच हुआ है हमारा, उस लिहाज से तो बहुत इंडिया बेहतर था क्योंकि उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हमारे अंदर क्योंकि वो आपने जिस तरह न्यूज तो देखी होगी कि वो सारी रात कहाँ रहे हैं, आपने देखा होगा जाहिर सी बात है, तो वो एक स्पिरिट उनके अंदर बर्गर खाते रहते हैं। लेकिन हम लोग जो है बस बर्गर पिज्जा में लगे रहते हैं। इंडिया से मैं कहना चाहती हूँ कि ना हमें पीस से रहने दे, बस हम भी पीस से रहे, वो भी पीस से रहे, सुकून से, बस सुकून सा माहौल रहे, ऐसे जंग का माहौल ना क्रिएट किया करें। क्या फायदा जंग करके? फायदा कोई भी नहीं जंग करके, तबाह ही होना है, दोनों ने भी तबाह होना है, हम भी तबाह हो जाएंगे। एक को नहीं बोल सकते हैं, बस दोनों हाथों से बच। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म यार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार मतलब लास्ट पे जो बोला है इन्होंने, तो ताड़ी दोनों हाथों से बजती है देखा जाए, एक हाथ से तो बजती नहीं बजती। अब देख ताड़ी बजा मुझे, अब बजे इस तरह होता है। और मतलब काफी लोगों ने, सारों ने लगभग तारीफ किया हर चीज में, मतलब जिनका जिसको जो पता था उस लिहाज से उन्होंने। ज्यादा इधर इंडियन बॉलीवुड के बड़े शौकीन है भाई, उनको पता है ना बॉलीवुड। ज्यादा लोग मूवीज देखते हैं इंडिया की यार, अभी तो सिनेमाज में नहीं चलती क्योंकि जब से पंगा हुआ है, तो फिर अभी कुछ टाइम बाद चलने लगे। हम तो चाहते हैं यार चले, मजे मजे की फिल्में होती है, बड़ा मजा आता है। लेकिन फिर भी इंटरनेट जिंदाबाद, आजकल इंटरनेट है। ये भी है। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पे यार। सारा किसी ने आईटी का बोला, किसी ने एजुकेशन का बोला, किसी ने यूनिटी का बोला, किसी ने एक एम का बोला, ये सारी चीज अगर मिलाई जाए ना तो ये पूरा सर्कल बन जाता है। और ये बातें इनके एकदम, जिनको जिस जिस चीज का पता था उन्होंने उस चीज का बोला बिल्कुल, और बहुत अच्छे से बोला बिल्कुल। और ये जो सारे क्लिप को मैच करना तो पूरे इंडिया का एक बन जाता है कि इंडिया कितना आगे। और यार मतलब इससे ये तो हमें तो पता है, हमने अभी एक्सप्लोर करना जब स्टार्ट किया तो हमें तो पता है इंडिया हमसे कितना आगे, तब हमें पता लगा कैसे जब हमने एक्सप्लोर स्टार्ट किया। अगर इन लोगों को जो जो पता था उसमें बोला, एजुकेशन, इकोनॉमी, आईटी, हर चीज का इन्होंने बोला, इंडस्ट्रीज। हाँ, और मतलब यही चीजें होती है इंडिया को, देखा सीईओ बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडिया, वो भी इनको बोला है इन्होंने, हमारा तो है ही नहीं। और मजे की बात, अगर हम लोग एक कदम आगे तो इंडिया हमसे 100-200 कदम आगे। सही बात है, इसमें हमें एडमिट करना पड़ेगा, मतलब आप समझो ये कड़वा है लेकिन हमें एडमिट करना पड़ेगा, और हमें इससे कुछ सीख लेनी चाहिए हमेशा इंडिया से। मतलब वो हमें नहीं, हमें इंडिया से भी सीखना चाहिए। और हम लोग वो कहते हैं ना जो दुश्मन से क्यों सीखें, तो दुश्मन से भी कभी सीखो ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि यार मोहे यहाँ पे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, वहाँ पे सीखते हैं दूसरे से गलतियाँ। तो आप बताएं आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।